नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाय एसपी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सभी कर्मियों के मानदेय को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट दे दी है सामने। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आउटसोर्स कर्मी संविदा कर्मी से जो भी अपडेट आएंगे सबसे पहले आप सभी कर्मचारियों को देखने और सुनने को मिलेगा। तो आप सभी कर्मचारियों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार ने आप सभी कर्मियों के मानदेय में बम्पर वृद्धि का ऐलान कर दिया है। जैसे आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता जीविका रसोईया ऑटो सोर्स कर्मी ठेका प्रथम और संविदा कर्मचारी मनरेगा कर्मचारी, इन सभी कर्मचारियों के मानदेय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बम्पर वृद्धि का ऐलान कर दिया है। मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कितना मानदेय आप सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार देने का ऐलान किया। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, आप सभी को देखने को मिल जाएगा कि केंद्र सरकार श्रमिकों को तोहफा, बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी, नई दरें 1 अक्टूबर से लागू। केंद्र सरकार ने गुरुवार को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के संशोधन करके श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों को 1,035 रुपये प्रतिदिन तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि समायोजन का उद्देश्य श्रमिकों के जीवन की बढ़ती लागत को निपटने की मदद करना है। नई मजदूरी दर 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। अंतिम संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था, जिसके तहत एक बार न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया। 1 अक्टूबर 2024 से लागू नई दरों के साथ अब अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 18,000, अर्धकुशल श्रमिकों का जो है 19,000 व कुशल श्रमिकों का वेतन 21,000 हो गया है। एक और भाजपा शासित राज्य जहाँ न्यूनतम वेतन के सिवा अन्य कर्मचारियों को भी सभी सुविधाओं का लाभ दिया रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, जानिए कितने वेतन की हुई है वृद्धि। श्रम विभाग के आदेश पर मुताबिक कुशल श्रमिकों को जो है 20,930 रुपये बढ़ाकर 21,000 रुपये किया गया और इसमें 312 रुपये की वृद्धि की गई है। अर्धकुशल श्रमिकों के मासिक वेतन में 18,993 रुपये से बढ़ाकर 19,279 रुपये और अकुशल मजदूरों को जो है 17,234 रुपये से लेकर के 17,494 रुपये बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता रसोईया जीविका इन सभी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की ऐलान किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वेतन देने का निर्णय लिया जा रहा है। साथ ही साथ इनको स्मार्टफोन और टैबलेट से लैस किया जाएगा, क्योंकि देश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है सभी एकदम इम्पॉर्टेंट काम करती हैं और सभी कर्मचारियों को जो है सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा और 1 अक्टूबर से जो है नई नीति लागू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।